अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिशान है और मैं स्टडी एंड ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो गाइस आज की वीडियो में एक बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन को आंसर करने जा रहा हूं, जो कि अक्सर अभी तक लोग मुझसे पूछ रहे हैं। हालांकि ये सवाल मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो काफ़ी लोगों का मुझसे ये अभी तक सवाल आ रहा है कि हमारा एडमिशन आ चुका है या हमारी प्री इनरोलमेंट समरी आ गई है, हमने फर्दर क्या करना है। ठीक है, तो इस पर तो कम्प्लीट वीडियो मैंने बना दी है, लेकिन फिर भी हर साल प्रोसेस चेंज होता है, कुछ स्टेप्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि अभी भी फर्दर क्या करना है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, और कराची कौंसुलेट और इस्लामाबाद एम्बेसी दोनों में इस टाइम क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसके ऊपर स्लाइटली थोड़ा सा डिटेल्ड इसमें बात करेंगे, ताकि एक आइडिया हो जाए स्टूडेंट को यार कि अभी फर्दर क्या क्या करना है। ठीक है, तो एडमिशन के बाद से आगे का सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके अलावा जो वीज़ा की जो चेकलिस्ट है, कराची कौंसुलेट की वीज़ा और ड्यूटी चेकलिस्ट, इस्लामाबाद एम्बेसी की वीज़ा और ड्यूटी चेकलिस्ट, ये दोनों चीज़ें मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि जो लोग वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और जो लोग यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उनको अपनी वीज़ा फाइल भी रेडी करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो जो लोग अभी तक इस चैनल के ऊपर न्यू हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपका एडमिशन जब आ जाता है तो एडमिशन आने के बाद आपने प्री इनरोलमेंट करनी होती है। ठीक है, प्री इनरोलमेंट किस तरीके से करनी है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई भी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन है। आप चाहो तो मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है, आप वहाँ से देख के प्री इनरोलमेंट कर सकते हो। अब प्री इनरोलमेंट के बाद एक और चीज़ आती है कि स्कॉलरशिप तो अनाउंस हो गई है कुछ रीजन्स की, जैसे लाजियो हो गई है, इरसो पलेरमो हो गई है, एर्गो स्कॉलरशिप हो गई है। तो जो लोग इस रीजन में या इन यूनिवर्सिटीज़ में जिनका एडमिशन हुआ है तो वो लोग ऑनलाइन जाके स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है लाजियो के ऊपर मैंने अभी वीडियो बना दी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी रिक्वायर्ड है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के एक्सप्लेन किया। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई, एक कि आपने प्री इनरोलमेंट कैसे करनी है और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और दूसरा कि स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि दोनों रीजन्स के अंदर यानी इस्लामाबाद एम्बेसी में और कराची कौंसुलेट में क्या प्रोसेस चल रहा है और किस तरीके से आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना है। ठीक है, तो इस्लामाबाद एम्बेसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने प्री इनरोलमेंट कर ली, प्री इनरोलमेंट करने के बाद आपकी जो डेटा है वो यूनिवर्सिटी को चला गया। अब यूनिवर्सिटी उसको एवेलुएट करती है, एवेलुएट करने में हो सकता है एक दिन के अंदर समरी आपको फॉरवर्ड कर दे, हो सकता है एक महीना लग जाए, हो सकता है तीन महीने भी लग जाए, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर वो कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, उतना जल्दी आपकी समरी एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देती है। ठीक है, तो समरी एम्बेसी को फॉरवर्ड होने के बाद फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप इस्लामाबाद एम्बेसी वालों ने, आपने कुछ भी नहीं करना है। जिस डेट को समरी फॉरवर्ड हो गई है एम्बेसी को उस डेट से लेके, यानी जैसे कि अगर आज फॉर एग्जांपल 7 जुलाई है, ठीक है, अगर 7 जुलाई को आपकी समरी एम्बेसी को फॉरवर्ड हुई है तो आप इससे 2 महीने आगे चले जाओ। जैसे कि आज 7 जुलाई है तो 7 सितंबर, यानी 7 सितंबर 2 से 2.5 महीने का गैप होता है जिस दिन समरी फॉरवर्ड हुई है ना, यानी आज समरी फॉरवर्ड हुई है तो आज से लेके आगे 2 से 2.5 महीने का टाइम है। 2 से 2.5 महीने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, और अपॉइंटमेंट आपने कहीं पे अप्लाई नहीं करनी, एम्बेसी खुद आपको ईमेल पे अपॉइंटमेंट देगी, आपको मेल आएगी कि आपने इस दिन आप जेरीज ऑफिस जाना है इस्लामाबाद में, जो उसका एड्रेस वहाँ पे दिया होगा, आप गूगल भी कर सकते हो, तो आपने जेरीज ऑफिस जाना होगा, वीज़ा की चेकलिस्ट और ड्यूटी की चेकलिस्ट उसमें अटैच होगी, उसके लिहाज से सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपने जेरीज ऑफिस जाके वहाँ पे अपनी जो वीज़ा फाइल है उसको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई इस्लामाबाद एम्बेसी वालों के लिए जब आपकी समरी फॉरवर्ड हो जाएगी उसके बाद 2 से 2.5 महीने बाद आपकी जो है अपॉइंटमेंट आएगी आपको ईमेल के ऊपर, तब तक आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इंतज़ार करना है समरी फॉरवर्ड होने के बाद, और आपने तब तक अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। वीज़ा की चेकलिस्ट, ड्यूवी की चेकलिस्ट मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जो है वो उसको देखते हुए अपनी वीज़ा की फाइल को प्रिपेयर करोगे, और इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा आने वाले वक्त में, यानी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर होगी, ताकि आपको इजी हो जाए कि आप अपनी वीज़ा और ड्यूवी की चेकलिस्ट को कंप्लीट कर सको, टाइम पर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सको। तो इस्लामाबाद एम्बेसी यहाँ पर क्लियर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कराची कौंसुलेट की तरफ। तो जो लोग कराची कौंसुलेट से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनको तो आइडिया हो गया होगा, वैसे वीज़ा ओपन हो चुके हैं, ठीक है, वीज़ा ओपन हो चुके हैं, और अभी जेरीज जो है वो वीज़ा फाइल सबमिट कर रहा है। वीज़ा फाइल किस तरीके से सबमिट हो रही है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आपने कहीं से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, लोग अभी तक VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं कि भाई स्लॉट खुली है नहीं खुली, कोई स्लॉट लॉट नहीं खुली, कहीं से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, ठीक है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, वीज़ा फाइल के डॉक्यूमेंट्स,
और DoV इस साल अभी नहीं ले रहे, फिलहाल होल्ड के ऊपर है, आगे जाके हो सकता है लेना स्टार्ट कर दें, लेकिन फिलहाल होल्ड के ऊपर है, ठीक है। तो आपने वीजा फाइल के सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। उसके अलावा सीमिया, जिसको चीमिया बोलते हैं लेकिन हम सीमिया बोल के एक्सप्लेन करेंगे, तो सीमिया आपने अप्लाई करना है। सीमिया के अंदर अब काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ है कि भाई सीमिया SOC करें या SOB दोनों करें, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सीमिया SOC SOB दोनों करें, ठीक है। लेकिन एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है उस पर लिखा हुआ है, यानी कॉन्सुलेट की जो रिक्वायरमेंट है उस पर लिखा हुआ है कि सीमिया SOC सिर्फ वही मेंशन है, कहीं पे SOB मेंशन नहीं है। तो एक दफ़ा यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लो मेल करके कि क्या हमें सीमिया कंपेरेबिलिटी जमा करानी है या फिर सीमिया SOV भी रिक्वायर्ड है आपको। हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑलरेडी अटेस्टेड हैं, हमारे मतलब रेलेवेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री, फॉरन मिनिस्ट्री, हर जगह से अटेस्टेड है। तो क्या अभी भी हमें फर्दर जो है SOV कराने की नीड है, तो यूनिवर्सिटी मेल पर बता देगी कि भाई सिर्फ कंपेरेबिलिटी चाहिए, वेरीफिकेशन भी चाहिए। तो उस मेल का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, कंपेरेबिलिटी अप्लाई कर लेना। अगर कहते हैं दोनों चाहिए तो दोनों अप्लाई करना, ठीक है। तो सीमिया अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद जब डॉक्यूमेंट आ जाए सीमिया का आपके पास कंपेरेबिलिटी का, तो उसको प्रिंट करना है, ठीक है। और प्रिंट करके कहीं से अटेस्ट अटेस्ट कुछ नहीं कराना, सिंपली उसको प्रिंट निकालो उसका, और फिर वीज़ा फाइल के लिहाज से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे प्रिपेयर करो। कहीं पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, डायरेक्टली जाना है जेरिस, और जेरिस जाने के बाद जेरिस में रोज़ की 10 फाइल सबमिट होती हैं, तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी जाना है ताकि आपको जल्दी उन 10 खुशनसीब लोगों में आपका नाम आ जाए जिनकी वीज़ा फाइल सबमिट होगी। ऐसा ना हो कि 20 लोग आ जाएं तो आधे आधे स्टूडेंट्स को घर भेजें, ठीक है। तो जल्दी जाना है ताकि टाइम पे जाके आप अपनी वीज़ा की कंप्लीट चेकलिस्ट साथ में सीमिया लगा के वीज़ा फाइल को सबमिट करके आ जाओगे, ठीक है। तो कराची कॉन्सुलेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, कहीं से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, सीमिया अप्लाई करना है, सीमिया अप्लाई करने के बाद कहीं से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, सीधा जाना है जेरीज ऑफिस और वहाँ पर वीज़ा फाइल सबमिट करा के आ जाना है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस जो है अभी चल रहा है फिलहाल, अभी तक का, आज की डेट तक का। आगे जाके कोई चीज़ चेंजेस होती है तो वो मैं अपडेट करता रहूँगा। तो बस ये है कि इस वीडियो के थ्रू मैं चाह रहा था कि जो स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूज हैं कि भाई क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उनको ये क्लियर कॉन्सेप्ट चला जाए कि भाई उनका माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ भाई यही कर रहा है, ठीक है। तो गाइज आई होप काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस्लामाबाद एम्बेसी में क्या प्रोसेस चल रहा है और कराची कॉन्सुलेट में क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और कन्फ्यूज थे कि अभी आगे क्या करना है, तो हम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। फर्दर मजीद किसी को कोई क्यूरी वगैरह है इससे रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकता है, मैं उनको यहाँ पे आंसर कर दूंगा। और इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वहाँ पे ही पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में बस यही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।